ये मेरे फादर ने खुद मुझे बताई थी बात, जब कभी बैठ के बातचीत हुई थी कि ऐसे ऐसे भी हुआ जिंदगी में, करना पड़ता है ऐसे। शेर सिंह ने इस तरीके से राज्यसभा में भेजा चौधरी बंसीलाल। एक किस्सा और है प्रोफेसर शेर सिंह जी के जीवन के साथ, और इस किस्से को किताबों के अंदर किसी और ढंग से लिखा हुआ है। मैं भी जो किताबों में लिखा हुआ था उसी को मानता था, मगर जब मैं डॉक्टर तरुण से मिला और इन्होंने मुझे उस किस्से की असलियत बताई, वो असलियत मैं आप लोगों के सामने भी बताना चाहता हूँ। किस्सा क्या था वो सुन लीजिए। किस्सा ये था कि किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है कि चौधरी देवीलाल ने चौधरी बंसीलाल को पहली दफ़ा राज्यसभा भेजा था। कहा जाता है, किताबों में लिखा है कि जो उस वक्त जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे ढेबर जी, ढबेर जी, ढेबर भाई, ढेबर भाई उस समय प्रेसिडेंट थे जी, और ये कांग्रेस पार्टी के अंदर डिसाइड हुआ जी कि जो जॉइंट पंजाब जो है जी, इसमें जो हरियाणा का क्षेत्र जो है जी, यहाँ से एक राज्यसभा के लिए एमपी चुनना है। तो जो पंजाब के हिस्से के राज्यसभा के एमपी थे उनमें से एक एमपी जो है राज्यसभा का, वो हरियाणा के क्षेत्र से चुनना है। और फिर वहाँ पे जो पंजाब के लोग थे उन्होंने डेबर भाई से बातचीत की होगी जी कि भाई जाट को नहीं लेना, अच्छा जाट तो यहाँ ही बहुत हैं, जट सिख जो हैं वो पंजाब में ही बहुत है, हाँ, हरियाणा में किसी नॉन जाट को लिया, नॉन जाट को किया जाए तो अच्छा है, नहीं तो जाट लीडर जो हैं फिर वो हरियाणा की डिमांड करेंगे, हाँ नहीं हरियाणा की डिमांड भी करेंगे तो तगड़े हैं, तो किसी नॉन जाट को लिया जाए। तो प्रोफेसर शेर सिंह भेजना नहीं, तो प्रोफेसर साहब जो थे वो हरियाणा का जो पक्ष जो है वो देखते थे वहाँ पे, क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तो उनको कहीं से खबर लगी जी कि नॉन जाट को बनाना चाहते हैं वो वहाँ से, और जाट को नहीं बनाना चाहते, अच्छा, तो इसलिए कि भाई कल को जो है अगर नॉन जाट होगा तो दब के रहेगा वो पंजाब में, और जाट हुआ तो अपना वो करेगा। तो जब खबर लगी तो अब सोच रहा है कि इसके बारे में क्या किया जाए, कैसे बनाया जाए क्या। तो फिर प्रोफेसर साहब ने जो है अभी ये चल ही रहा था अभी किस जंक्शन को किया जाए, तो ढेबर भाई का वहाँ से आया एकदम से कि भाई आप जल्दी लिस्ट भेजिए आपके, और मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, आप मुझे आप मिलिए आके जी। तो सफदरजंग रिपोर्ट होता था उस समय, तो प्रोफेसर साहब ने फिर लिस्ट बनाई थक से सलाह करके बैठ के, तो उसमें जो है जैसे 5-6 नाम पहले शुरू में सारे सिंह वाले लिख दिए, चौधरी ये और बाद में ये सिंह, ये सिंह, फलाना सिंह, फिर बीच में जो है लिख दिया श्री बंसीलाल, फिर सिंह। तो डेवर भाई ने उनके जहन में तो था ही कि क्या करना है, तो उन्होंने देखा कि सब सिंह है ये बंसीलाल है, तो उन्होंने उसको पर टिक करके जो है टिकट बंसीलाल जी को दे दी, बंसीलाल श्री हैं, चौधरी नहीं है और पीछे सिंह भी नहीं है, सिंह भी नहीं है, कहीं नॉन जाट होंगे, नॉन जाट होंगे, तो उन्होंने उनको जो उनका दिमाग में थी बात वो कर दी। तो इस ढंग से जो है उनका पॉलिटिकल एंट्री हुई। ये मेरे फादर ने खुद मुझे बताई थी बात, जब कभी बैठ के बातचीत हुई थी कि ऐसे ऐसे भी हुआ जिंदगी में, करना पड़ता है ऐसे। प्रोफेसर शेर सिंह ने इस तरीके से राज्यसभा में भेजा चौधरी बंसीलाल जी को। कई किताबों में लिखा हुआ है कि ये जो घटना हुई ये चौधरी देवीलाल जी ने श्री लिखा था, इस तरीके ये तरीका अपनाया था उनको राज्यसभा भेजने का। देखिए मैं तो इस बारे में कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता, लेकिन जो बात मेरे फादर ने मुझे बताई मैं वो आपके पास बता रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि मेरे फादर जो हैं बड़े संजीदा व्यक्ति थे जी, वो कभी भी कोई ऐसी बात नहीं, नॉन रिस्पॉन्सिबल बात नहीं कर सकते थे वो कभी भी। और उस वक्त चौधरी देवीलाल का कद शायद इतना बड़ा नहीं था, हाँ मतलब कि वो राज्यसभा के लिए डिसाइड करे नाम। भाई डेबर भाई जो थे वो तो प्रोफेसर साहब से डायरेक्ट होते थे,
और तो कोई बात नहीं, क्योंकि प्रोफेसर साहब को ही उस समय था कि भाई हरियाणा के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर इसलिए बनाया गया था कि हरियाणा का जो इलाका है उसको रिप्रेजेंट करने वाला कोई हो। उन्होंने प्रोफेसर साहब ने जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का उनका पद था उससे रिज़ाइन भी कर दिया था। हाँ, रिज़ाइन किया बाद में। किस मुद्दे को लेकर? ये हिंदी और अलग हरियाणा की मांग के लिए, अलग हरियाणा की मांग, और जो समय था कि भाई यहाँ पे गुरुमुखी पढ़ाई जाती थी जबरदस्ती तो गुरुमुखी, तो उन्होंने कहा कि पंजाब जो है हिंदी भाषी क्षेत्र है। हाँ, हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो इसमें आप हिंदी पढ़ाई ना किया जाए, अनिवार्य ना किया जाए, गुरुमुखी जो है तौर पर रखा जाए। हाँ, तो ये यही मुद्दा शुरू हुआ था और वहीं से हरियाणा को अलग कराने की मांग दिल में जो है उनके आई थी कि भी हरियाणा का अपना वर्चस्व होना चाहिए। और ये इनके क्योंकि डेवलपमेंट भी यहाँ ज़्यादा नहीं होती थी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर वहाँ के होते थे तो डेवलपमेंट वहाँ की ज़्यादा होती थी, उनके जहन में आता ही नहीं था यहाँ का, काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका था। तो इस इलाके की बहबूदगी के लिए जो उनके मन में विचार आया, और वो शुरू से संघर्षमय थे ही, जब से स्टूडेंट लीडर थे तब से ही। तो ये तो उन और परिवार का वो था कि भाई हर चीज़ ऐसी करनी है जो कि समाज के लिए ठीक हो, तो पूरे इसके लिए हरियाणा समाज के लिए उसकी बहबूदगी के लिए उन्होंने उनके दिल में वो आया कि भाई करना इतने है, बड़े पद से इस्तीफा दे दिया। हाँ, दे दिया। इसमें कोई वो असल में ना, मैं अगर सच बात कहूँ जी, तो मेरे फादर जो थे वो बेसिकली पॉलिटिशियन नहीं थे, वो थे समाज सेवी, जो समाज के काम, और उस समय के पॉलिटिशियन मोस्टली जो है समाज सेवी ही पॉलिटिक्स में आते थे, क्योंकि समाज के लिए सेवा करनी थी। लेकिन धीरे धीरे उसका जो है रूप बदलता चला गया, ये बात है। जब हरियाणा अलग स्टेट बना और जब केंद्र में प्रोफेसर शेर सिंह जी को हरियाणा की तरफ से केंद्र में मंत्री बनाया गया, और मंत्रालय भी जो दिया गया वो अहम दिया गया, एजुकेशन मिनिस्टर उनको पहली दफ़ा शायद बनाया था, एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, क्योंकि एजुकेशनिस्ट थे बेसिकली वो पहले ही बात जी, प्रोफेसर थे और मैथमेटिक्स में यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो थे फर्स्ट क्लास सेकंड थे वो, तो उनके एजुकेशनिस्ट होने की वजह से एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया। त्रिगुणा सेन जी मिनिस्टर थे और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, और जैसे मतलब कहना चाहिए कि एक भाग्य का विधान बनता है, उसी समय जो है स्वीडन में कॉन्फ्रेंस थी पेपर बुक एडिशंस के लिए, क्यों महंगी किताबें होती थी, तो उनके पेपर बुक एडिशंस के लिए जो थी एक कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे स्वीडन में, और उसका रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेसर साहब ने किया, और जितनी भी महंगी किताबें थी उनके पेपर बुक एडिशंस के लिए सस्ते एडिशन के लिए वहाँ पे स्टॉकहोल्म में जाके इनकी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें इनका बहुत पार्टिसिपेशन रहा, तो बड़ा अच्छा रहा वो। शुरू में ही जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री में, तो एजुकेशन का कोई ना कोई काम अच्छा हुआ। तो चलिए, ये था चौधरी बंसीलाल, जो कद्दावर नेता हुए, केंद्र में मंत्री भी रहे, हरियाणा में चीफ मिनिस्टर भी रहे। उनको राजनीति में एक किस्म से उनके लिए दरवाज़ा खोलने का ये किस्सा था, उनको राज्यसभा भेजने का, और कई लोगों ने जैसे मैंने बताया कि चौधरी देवीलाल का नाम लिखा हुआ है, मगर चौधरी देवीलाल वाली बात को यहाँ पर डॉक्टर तरुण ने साफ किया है, क्लियर किया है।